हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आज हम चेक करेंगे। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, एक ब्लैक कलर का स्टोन और दूसरी पाइल पर वाइट कलर का स्टोन है। जो पाइल भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप वो पाइल सेलेक्ट कर लें। गाइज, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना ही लें और बाकी जाने दें। तो आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो जिन्होंने ये ब्लैक कलर का स्टोन सेलेक्ट किया है, सबसे पहले उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके कार्ड्स कैसे आए हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, सेकेंड हमारा सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, जस्टिस। तो गाइज, मैं ना यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना थोड़े से ना घमंडी हैं, वो ना थोड़े से गुस्से वाले भी हैं। जब भी ना वो आपके साथ रहते होंगे ना, तो वो अपने आप को ना ज़्यादा ही ना सुपीरियर दिखाते होंगे। उनको लगता होगा कि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ और आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो, आप इतने ब्यूटीफुल नहीं हो। और वो जो उनकी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड थी ना, वो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी उनके पास, तो वो उसको ना ज़्यादा बेहतर समझते थे। उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, एकदम मॉडर्न है, और आप वैसे नहीं हैं, आप थोड़े से घरेलू टाइप लड़की हैं। आप उनको लगता था कि आप घर में रहने वाली हैं, आपके साथ शादी करके ना उनको मज़ा नहीं आने वाला, आपके साथ घूमने में उनको ना इतना इंजॉय नहीं आएगा जितना कि वो जो उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड है ना, वो उनके साथ बहुत इंजॉय करती होगी और वो उनके साथ बहुत घूमते होंगे, पिक्चर्स देखने जाते होंगे, उनके साथ ना बहुत अच्छा वक्त गुजारते होंगे। वो ना एडवांस लड़की होगी। वो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके पर्सन ना उसकी ना पर्सनालिटी को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर ना उस पर फ्लैट हो गए और आपके साथ ना उनका बिहेवियर ना धीरे धीरे चेंज होता चला गया, और वो उस इसी वजह से ना वो आपको छोड़कर चले गए होंगे। और अभी ना मैं देख पा रही हूँ कि अब उनको उस लड़की की ना हकीकत सामने आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो मैंने क्या कहते हैं स्टोन इकट्ठे करते करते ना सोने को खो दिया, हीरे को खो दिया। अब उनको ना रियलाइज़ हो रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा दुख कर रहे हैं। अब ना वो रातों को उठ उठ के ना रोते हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने इतने अच्छे पार्टनर को खो दिया। अब वो आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, पर अब उनको थोड़ा सा ना शर्म आ रही है कि अब वो कैसे वापस आएंगे। और वो यही सोच रहे हैं कि कैसे वापस जाएं, कैसे आपको मनाएं, क्योंकि अब आप मानेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको छोड़कर चले गए थे, तो आप भी तो बहुत गुस्सा होंगे ना। गाइस, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच ना बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब उनके बीच ना ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए हैं। अब वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं और, उनको कोई और पसंद आ गया है और वो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आपके ये जो पर्सन है ना, उनको बहुत बुरा लग रहा है। अब वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने उनके साथ चीटिंग की, उन्होंने इतने अच्छे पार्टनर को छोड़ा इसके लिए, और अब ये लड़की उनके साथ ऐसा कर रही है, उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रही है, अब उनको वैल्यू नहीं दे रही है, अब ये तो अपने और फ्रेंड्स के साथ घूम रही है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही है। अब उनको बहुत बुरा लग रहा है, उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब उनको ना आपकी कदर आ रही है धीरे धीरे, अब वो चाहते हैं कि आपके पास ना वापस आ जाएं। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना रो रहे हैं ना कि बस देखें, कार्ड में दिख रहा है ना एक पर्सन है कैसे मुँह छुपा के बैठा है, और वो ना बहुत रो रहा है, रातों को उठ उठ के रो रहा है रात का अंधेरे में, और उनको बहुत याद आ रही है आपकी और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि बस कैसे भी करके ना आपके पास आ जाएं। ये जस्टिस का कार्ड है ना, अब वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, अब वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट आप मुझे लगता है कि अब आप शायद उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगता है। तो वो मुझे लगता है कि अब वो सोच रहे हैं कि अब वो कहीं बाहर निकल जाएं ताकि इस गम को, इस दुख को भुला पाएं, क्योंकि अब आपके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। आप भी उनको कॉल या मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आपने भी उनको इग्नोर कर दिया है एकदम से। आप ऐसा लगता है उनको जैसे कि आप भूल गए हो। वो यही सोच रहे हैं कि अब आप भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो किसी और के साथ। तो ये सारी चीज़ ना, ये थॉट्स ना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
रहे हैं। अब वो ना उनको ऐसा लगता है कि वो उधर से भी गए और इधर से भी गए, मतलब अब ना वो बीच में लटक से गए हैं। अब वो बहुत ना इस दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे तो वैसा ही होगा, ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा है। अब गाइज मुझे लगता है ना कि थर्ड पार्टी के साथ उनका ब्रेकअप हो गया है। अब वो वापस आपके पास आएंगे बट थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि अभी जिस पेन से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा तभी वो आपके पास आएंगे। गाइज अब उनको ना सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने बिताए थे, वो पल उनको बार बार याद आ रहे हैं कि आप उनको किस तरह मनाते थे, उनको कितना स्पेशल फील कराते थे, कितना प्यार लुटाया करते थे आप उनके ऊपर, उन पर कितना ट्रस्ट करते थे। बट अब ना उनको सारी चीज़ें एक एक करके रियलाइज़ हो रही हैं, उन्हें याद आ रहा है और वो पास्ट की मेमोरीज में ना खोते ही चले जा रहे हैं। और वो बस अब आपके पास ना आना चाहते हैं पर वो अफसोस कि नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, अब उनको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब वो बस इसी सोच में। तो गाइज़ ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़ चलिए हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का स्टोन सेलेक्ट किया है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कार्ड्स। तो गाइज़ हमारा पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत आया है, पॉजिटिव कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, ये एक्शन को बताता है। फूल का कार्ड आ गया है, न्यू बिगनिंग को बताता है और ये भी कार्ड बहुत अच्छा है। सेवन ऑफ कप्स का जजमेंट आ गया है, ओ वाह। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादातर में बताती है कारोबार को, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की, कोई लड़की यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर ना मुझे थर्ड पार्टी जो लग रही है ना वो करियर लग रहा है। जो भी आपके पार्टनर हैं, पर्सन हैं, वो करियर पे फोकस कर रहे हैं, उसी में वो बिज़ी हैं, अपने करियर को बनाने में, अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में। वो कुछ बनना चाहते हैं, उनके कुछ ख्वाब हैं, जो भी उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं। और वो अभी ना किसी भी रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि बंधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले वो अपना करियर बनाएं, उसके बाद ही वो किसी भी रिलेशनशिप में आएं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं या उनको आपकी परवाह नहीं है या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। जो भी हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं या जो भी आप हमारे व्यूवर्स हैं, मेल या फीमेल हैं, तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं इस रीडिंग को। तो गाइज़ मुझे यहाँ प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इस वक्त देखें पेंटिकल्स में आपको नज़र आ रहा है कि एक इंसान है जो पेंटिकल्स पे काम कर रहा है। पेंटिकल्स पे काम करने का मतलब है कि कारोबार पे काम करना, अपने कारोबार में व्यस्त होना, किसी जॉब में लगे होना चाहना, उसकी तैयारी करना। अगर आपके पर्सन अभी स्टडी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और आपको लगता है कि शायद उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है या धोखा किया है, या वो आपके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ड्रीम्स को, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास द विश का कार्ड आया भी है, द स्टार का कार्ड देख सकते हैं कि ये विश फुलमेंट का कार्ड है। गाइज़ उनकी मुझे लगता है कि विश पूरी भी होगी और यहाँ बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। उसके बाद वो आपके पास ज़रूर आएंगे और वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना भी चाहते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी बात के बारे में सोचे बिना वो आपके पास आ जाएं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उन इमोशंस पे वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि उन्होंने आपके साथ कुछ भी चीटिंग की है या धोखा किया है। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट देना भी चाहते हैं वो आपको। आपको हमेशा याद करते हैं, मिस भी करते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, बट वो चाहते हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली कि जिस दिन वो अपने सपने और आपके सपने पूरे कर सकें। उस दिन का इंतज़ार है उनको कि जिस दिन वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। वो चाहते हैं आपको सारी फैसिलिटीज़ देना, सारे आपके सपने पूरे करना, और इसीलिए वो इन सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं और आपसे थोड़ा सा दूर हैं। गाइज़ मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और वो ख़ुद को भी ना एक प्रिंस बनाना चाहते हैं। आप प्रिंसेस और वो आपके प्रिंस, तो वो प्रिंस चार्मिंग बन के वापस आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ना फिर आप दोनों ना बहुत खुश रहें। और गाइज़ मुझे ना ऐसा लगता है कि ना आप और आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं।
वो अपने इन ड्रीम्स को ना सच करना चाहते हैं, खुली आंखों से सच करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपके सारे सपने और ख़ुद के सपने पूरे करें, अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे करें, उनके पेरेंट्स को जो भी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो ताकि वो आपकी और अपनी फैमिली की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। अगर आप उनसे कुछ भी मांगें तो वो मना ना कर सकें और आपको हर चीज़ दें। कभी कभी ना वो एक गाना गाते होंगे कि मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने तू ही मेरे अपनों में। तो गाइज़ वो ना आपको अपना मानते हैं अभी से, अभी आपकी शादी नहीं हुई, कोई कमिटमेंट नहीं किया उन्होंने आपके साथ, फिर भी वो आपको इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, जताते नहीं हैं, सारी चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, बट सपने वो आप ही के देखते हैं। तो गाइज़ आप ही सोचें कि इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा इंसान आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना तो बनता है ना, तो थोड़ा सा वेट करें उनके आने का, उन पर बिलीव रखें, अपने पे बिलीव रखें। और गाइज़ मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। आपको ना ये जो डर है ना आपके अंदर का, जो फेयर्स हैं आपको कि कोई आपके पार्टनर को छीन ले जाएगा, आपसे दूर कर देगा, या आप उनसे दूर चले जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पास ही वापस आएंगे, आप दोनों एक होंगे, वो आपको एक विश की तरह देखते हैं, आप उनकी एक विश हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, और आपकी सारी विशेस को वो पूरा करना चाहते हैं। तो गाइज़ मुझे यहाँ रीडिंग में ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी मिल रही है इस रीडिंग से मुझे। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं, ये जो कार्ड्स हैं ना एक सपने को ना पूरा होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ इन कार्ड्स में। तो आप ना जितने भी डाउट्स हैं ना आपके, उन सबको अपने दिल से निकाल दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।